हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या है। माय सेल्फ मिस प्रिया एंड आई एम हियर विथ माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 8 स्टूडेंट। द सब्जेक्ट इज सिविक्स एंड द चैप्टर इज फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ये डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करूँ तो आपको इसको इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। सो मूविंग फर्दर, एज द चैप्टर नेम इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न वॉट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट इज इट्स इम्पॉर्टेंस, वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट आर इट्स की फीचर्स, वॉट इज ड्राफ्टिंग कमीशन, एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन शॉर्ट ईच एंड एवरी थिंग द बेसिक। नॉर्मली द बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। सो हो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन आवर माइंड इज कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत पड़ेगी। पहला शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वी कैन से संविधान। एक डिफिनेशन बहुत छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रूल्स। जो संविधान है वो कुछ दस्तावेजों का एक डॉक्यूमेंट है जो कहीं ना कहीं एक देश की मदद करता है एक देश को चलाने में, इसे हम कहते हैं संविधान। गाइस, इफ देयर विल बी नो रिटन रूल्स, पीपल रूलिंग ओवर कंट्री माइट डू अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी लिखित संविधान नहीं होता या नहीं होगा तो जितनी भी जनता है सबकी सब अपने मन से करेंगे और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी आर ऑलरेडी अवेयर डैट इन अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ओके, the leaders of the country realized that so many years of being a colony had left India economically as well as socially we are going downwards, and in that time also our citizens, our country is facing so many problems regarding caste, gender, religious inequalities. So somehow jitni bhi hamari wealth thi hamare desh ki wo kahin na kahin bahut bure tarike se british jo britishers the unhone drain out kar di thi. To कहीं ना कहीं हमारे जो फाइटिंग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, दे रियलाइज कि हमें एक संविधान की ज़रूरत है, एक लिखित संविधान की ज़रूरत है, ताकि हम अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को, फिजिकल कंडीशन को और जो फाइनेंशियल कंडीशंस को और भी ज़्यादा स्मूथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। सो आफ्टर 1947 दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट नाउ इट इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक अ constitution, to work on a constitution draft. So before moving further we have to know what is the importance of constitution, संविधान की हमें क्या जरूरत है, इसका purpose क्या रहा है। The point number one is the constitution clearly defines the power and function of the elected representative who govern the country as well as the rights of the citizens. जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल साफ तरीके से clarify करता है, शो करता है, डिफाइन करता है कि जो पावर्स हैं, जो नियम हैं, जो शक्ति है, जो फंक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, जिनके चुनाव के दौरान जिन्हें चुनते हैं, वो पूरे देश में राज्य करते हैं और कहीं ना कहीं हर एक नागरिक को उनके राइट्स का आदान प्रदान करते हैं। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग हियर द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड पॉइंट, it defines the functions and powers of the executive and the legislature and also puts certain limitations on their power. When we are saying ki kahin na kahin wo hamare powers of functions jo elected representatives hote hain ki functions ko unke powers ko define karta hai, but everything has a limit in constitution. Har ek ministers ke, har ek representative ke kuch na kuch powers hote hain, kuch na kuch unke limitations bhi hote hain aur unko us limit ke andar hi reh ke kaam karna padta hai, wo us limit se bahar नहीं जा सकते हैं। द सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू अपहोल्ड यूनिटी इंटीग्रिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। जो संविधान बनाने का जो मेन पर्पस रहा है वो ये रहा कि ये किसी भी तरह से
देश की में जो एकता है उस एकता को भंग ना करे, जो लोगों के अंदर एक इंटीग्रिटी है, क्या कहते हैं कि एक जो आत्मसम्मान है वो हर्ट ना हो, और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है डाइवर्सिटी, जो विभिन्नताएं हैं उनमें एकता बनी रहे, जैसे कहा जाता है अनेकता में एकता। तो हम डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, बट स्टिल वी हैव टू मेक आवर सेल्फ इन अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट में एक यूनिटी हमें शो करनी है। तो संविधान का मेन मकसद ये भी होता है कि डाइवर्सिटी हमें कंट्री में देखने को मिले, बट उसके संग हमारी इंटीग्रिटी का नुकसान ना हो। द फोर्थ पॉइंट, द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू क्लैरिफाई, टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, द वेज इन विच द गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड एंड ऑन व्हाट बेसिस इट विल फंक्शन। जो मेन जो नेचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये डिफाइन करता है कि पॉलिटिकल सिस्टम को वर्क कैसे करना है, हम अपनी सरकार को किस तरीके से चुनेंगे और हमारी सरकार किस तरीके से उस पर फंक्शन करेगी, किस तरीके से उस पर वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ब्लॉक प्रमुख अलग होते हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डिवीज़न डाल रखा है, और कहीं ना कहीं हम ही रिप्रेजेंट इन रिप्रेजेंटेटिव को हम ही इलेक्ट करते हैं, सो डैट वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन कर सके। मोनार्शी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई राजाशाही सिस्टम नहीं है, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक प्रेसिडेंट है। ऑल दो कहीं ना कहीं अगर कहा जाता है संविधान में, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रेसिडेंट का होता है, बट सारे डिसीजन प्राइम मिनिस्टर्स लेते हैं, बट उसे आगे अश्योर करने के लिए हम कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं। तो ठीक है, ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो अधिकार है ना कि हमें निश्चय किसे चाहिए, किसको देनी है, किसके थ्रू हमें फंक्शन करना है, किसके अंडर में हमें वर्क करना है, कहीं ना कहीं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। द फिफ्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ। दिस मीन्स दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे हैव इक्वल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे की पॉइंट वाला जो पर्पज है ना, वो ये है कि कानून के आगे हर एक एक समान होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई द ओनली कंट्री विच इज डेमोक्रेटिक इज इंडिया ओनली। इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर ऑल द सिटीजन्स वेदर दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी कास्ट, दे आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे ऑल आर सेम इन फ्रंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सेम फॉर एवरी वन, नो पर्सन इज अबव द लॉ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आर कास्ट और रिलीजन। किसी को भी उनके धर्म के अनुसार हम न्याय नहीं देते हैं, हम उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें न्याय देते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमारे कास्ट, कलर, क्रीड या रिलीजन पे हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये मैं पर्पस बता रही हूँ, क्या रीज़न रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मींस सम स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर सर्टेन बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ दिस सोसाइटी। अगर हम पुराने हिस्ट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो छोटी जाति से जो बिलोंग करते थे, जो SC ST थे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था। उस नुकसान से बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी उन्हें देता है। कुछ रिजर्वेशन सिस्टम्स आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे OBC रिजर्वेशन सिस्टम, SC ST आ गया है, SC ST एक्ट आए ताकि उसमें उनको रिजर्वेशन मिल सके, और अभी रिसेंटली 2019 में बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उनके थ्रू भी हमें क्या हुआ, EWS जो जनरल कैटेगरी के लिए आया, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दोज हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिला। तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। द सिक्स पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीजन। और कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान है हमें कुछ मौलिक अधिकार भी देता है, जैसे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसे एक नागरिक के तौर पे हमें दिए जाते हैं, और उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई भी इससे हमें वॉयलेट नहीं कर सकता हमारे अधिकारों को। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज फॉर द कंट्री। और कहीं ना कहीं जो संविधान होता है वो एक मदद करता है नियम और कानून को, देश के लिए नियम और कानून को बनाने में। ये की पॉइंट्स थे हमारे द पर्पस बिहाइंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फाइनली ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस एनसीईआरटी बुक आई हैव गॉन थ्रू अ एग्जाम्पल, कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि एक टीचर है, यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश की जा रही जो कहीं ना कहीं इंडियन फीचर्स की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। कि एक क्लास टीचर रहती है, उन्होंने क्या किया, क्लास मॉनिटर बनाया जिसका नाम सुरेश रहता है, और कहीं ना कहीं लोगों से बहुत बिली करते थे, लोगों से पसंद नहीं करते थे। तो उसने क्या किया कि जब टीचर क्लास के बाहर किसी अर्जेंट काम से जाती तो उन्होंने कहा कि सुरेश तुम क्लास को देखना, मैं अभी आती हूँ। तो क्या हुआ कि वो जैसे टीचर क्लास के बाहर गई
तो एक अनिल नाम का बच्चा, तो उसने उसको डांटा और बोला कि मैम को आने दो, मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें शिकायत करूंगा, जबकि वो कहता है कि मैंने किया क्या है, वो ऑलरेडी शांति से पढ़ रहा था एज इन गिवन इन द पिक्चर। बट बैन जब उनकी मैम आती है तो वो क्या कहता है कि मैम जो अनिल था वो रेगुलर बहुत तेजी से बात किए जा रहा था, कहीं अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था क्लास में और मेरी बातों को नहीं सुन रहा था। तो क्या होता है कि जो टीचर रहती है वो पनिशमेंट देती है कि तुम 100 टाइम्स आई विल नॉट डिस ओबे द क्लास मीटर, इस तरह के सेंटेंस का आप 100 टाइम्स लिख के मुझे दोगे, जबकि वो कहता है कि मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक चीज़ दिखा रहा है कि एक जो चीज़ लोगों के ऊपर दे दी गई जो गलती उसने नहीं की उसके लिए, तो कहीं ना कहीं यही एक की पॉइंट जो बताने की कोशिश कर, कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। जो लोगों को यहाँ पे क्या था, मॉनिटर को एक अथॉरिटी दी गई थी क्लास देखने की, पर उसने अपने अथॉरिटी की गलत मिसयूज किया। सेम ये चीज़ करता है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करते कि जो लोग अपने पोजिशन के गलत मिसयूज करते हैं, अपने क्या कहते हैं पोस्ट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं रूल और रेगुलेशन बने हैं गए बनाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ताकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या फिर जो लोग अपनी आवाज़ को अपनी सरकार तक नहीं पहुंचा पाते उनके लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। और इससे कई तरह के होते हैं, जैसे इन्हें दलित में भी कहा गया, तो कई तरह के रिजर्वेशन सिस्टम्स भी हमें देखने को आगे पढ़ने को मिलेंगे वन बाय वन। फिर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी सिस्टम होता है, माइनॉरिटी सिस्टम में जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कभी वगैरह फॉर्म अगर हम फिल करने जाते हैं तो देखते हैं कि वेदर वेद बिलोंग टू माइनॉरिटी सेक्शन, जिसमें अल्पसंख्यक जिन्हें कहा जाता है माइनॉरिटी सिस्टम में, तो जैसे आपके क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, जैनिज्म हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये माइनॉरिटी सिस्टम्स में आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी संख्या कम होती है। तो एक माइनॉरिटी सिस्टम पे हमें देखने मिलता है कि जब मेजॉरिटी में जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिनकी संख्या कम होती है उन्हें लगता है कि हमारी आवाज़ दब ना जाए, उसके लिए भी सरकार ने माइनॉरिटी सिस्टम को, माइनॉरिटी रेगुलेशंस को हमारे संविधान में लागू किया गया, ताकि कोई भी उससे वंचित ना रह सके, सबको सबके बराबर का हक मिल सके। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली, व्हाई द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें बेसिकली सुनने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया था, किनके द्वारा बनाया गया था, द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड बाय इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर्व्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट। जब हमें हमारा आज़ादी हमें प्राप्त हुई तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, उसने कहीं ना कहीं पहली बार पहला संसद किसे माना गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माना गया था, मतलब जितने भी रूल एक्शन आ रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए तरफ से आ रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें ही पहला संसद माना गया। एंड उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज चूजन टू हेड द ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसको हेड कौन कर रहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एंड डियर स्टूडेंट्स सो मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस केम इन द एग्जामिनेशन की हु वाज चूजन टू द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, द आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वॉज फॉर्म इन अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना, 1947, अगस्त 1947 में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक 3 ईयर्स टू कम्प्लीट द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टूडेंट्स इस संविधान को बनाने में तकरीबन 3 साल लगे। एंड फाइनली ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑल ओवर द इंडिया। और फिर फाइनली जब हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं तो 26 जनवरी को 1950 में, 3 साल बाद, आज़ादी के 3 साल बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना वो ऑल ओवर इंडिया क्या किया गया, सेलिब्रेट करने लगे, और वो ऑल ओवर इंडिया लोगों के ऊपर लागू कर दिया गया कि हमारा संविधान बन गया है और वो पूरे देश में लागू हो गया है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हमें कुछ पॉइंट्स सीखने के मिले। पहले पहला पॉइंट ये था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री की तरह वर्क किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया था। थर्ड पॉइंट, हेड कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब फॉर्म किया गया था, अगस्त 1947 में। और ऑफिशियली से अडॉप्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। ओके, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के की फीचर्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश अ सेकुलर सॉवरेन
Democratic Society for Citizens. It is the longest constitution in the world. The first thing, India is the only democratic country, and the second thing, it is the longest constitution in the world. हमारा जो संविधान है ना, वो सबसे बड़ा संविधान है पूरे देश में. कई बार ये क्वेश्चंस आते भी हैं जीके सेक्शन में, आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. तो हाँ, हमारा जो संविधान है वो देश का सब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लंबा संविधान है, विथ मोर देन 400 आर्टिकल्स एंड इज डिवाइडेड इंटू 12 शेड्यूल्स. कितने शेड्यूल हैं हमारे संविधान में? 12, 12 शेड्यूल हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड मेनी टाइम्स सिंस इट वॉज अडॉप्टेड. अमेंडेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि बार बार संशोधन करना. जाहिर सी बात है, पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में और अब की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिफरेंसेस होगा, क्योंकि सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं धीमे धीमे चेंज होने लगी, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है वैसे वैसे हमारे संविधान में संशोधन किए जाते हैं. तो इसी के चलते क्या हुआ, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा, 100 बार से भी ज़्यादा कई तरह के अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे संविधान में. तो की फीचर्स की हम बात करते हैं, तो की फीचर्स क्या है हमारे देश में? द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म. क्या है फेडरलिज्म? इसे हिंदी में कहा जाता है संवाद. क्या होते हैं, जो हमारा देश है ना, जो हमारे देश का जो सरकार है वो टू लेवल पे वर्क करती है, दो स्तर पे वर्क करती है, काम करती है. पहला होता है सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट. सेंट्रल मीन्स केंद्र और स्टेट मतलब राज्य. सेंट्रल मतलब केंद्र, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार. राज्य सरकार क्या होती है? स्टेट वाइज होती है, ठीक है ना. हर स्टेट की अपनी अपनी राज्य सरकार होती है. और सेंट्रल मतलब जो पूरे स्टेट्स में जो अपने रूल्स को चलाते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सो मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज टू बी केम इन द एग्जाम. इन आवर गवर्नमेंट द गवर्नमेंट वर्क फंक्शंस इन हाउ मेनी लेवल्स? द आंसर इज इन टू लेवल्स. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल एंड द सेकेंड वन इज स्टेट. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फेडरल स्ट्रक्चर विच मीन्स गवर्नमेंट एट टू लेवल्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्लैरिफाई डिफाइन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. फेडरलिज्म का मतलब संवाद, मतलब दो लेवल में हमारी सरकार काम तो करती है, पर कहीं ना कहीं जो काम करती है वो फाइनली आके एट द एंड एक हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं संवाद, मतलब संघ में काम करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाना. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स संसदीय सरकार. पार्लियामेंट हमें पता है संसद कहा जाता है, संसद भवन कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस को, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं संसदीय सरकार. द पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर. थ्रू जनरल इलेक्शन वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट. और कहीं ना कहीं संसद की हम जब बात करते हैं, संसद भवन की हम बात करते हैं, तो उसमें जितने भी संसदीय मंत्री होते हैं उन्हें कौन इलेक्ट करता है? हम इलेक्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. समटाइम्स इट यूज टू बी आल्सो द क्वेश्चन विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी आर हैविंग. वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स हमारे पास संसदीय सरकार की सरकार है. इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसे चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और ऑलरेडी आप क्लास में भी इसे पढ़ चुके हैं. ओके. द नेक्स्ट की पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर. इन हिंदी वी कैन से शक्ति का विभाजन. हर एक सरकार के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने कानून होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. इसी वजह से जो उनकी जो पावर्स होते हैं उनको भी क्या किया है हमारी सरकार ने, जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेपरेट कर दिए कि हर एक डिसीजन लेने का अधिकार सबको नहीं है, सबके डिसीजन लेने का अधिकार, सबके फंक्शन को डिवाइड कर दिया गया ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, और किसी भी तरह का मतभेद हमें आगे फ्यूचर में देखने को ना मिले. और इन्हीं मतभेदों को आगे हमें देखने को ना मिले तो हमारी जो सरकार है उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, द सेकंड वन इज लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी. द लेजिस्लेचर फ्रेम्स लॉ, द एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स देम एंड द जुडिशरी रिसॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वो तीन थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये तीन पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. ओके. लेजिस्लेचर फर्स्ट वन, उसका काम क्या है? ये नियमों को बनाते हैं. जो लेजिस्लेचर होते हैं वो नियम को बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उन नियमों को इम्प्लीमेंट करते हैं. मतलब एक सरकार ने अगर जो लेजिस्लेचर ऑर्गेन है वो क्या करता है, सारे नियमों को बनाता है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन जो होता है वो नियमों को लागू करता है. तो जुडिशियरी का काम क्या होता है कि उन नियम को लागू करने के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको अंतर्गत ध्यान में रखते हुए हर एक नियम को लॉ और ऑर्डर के तरीके से फॉलो करते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स.
क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स इन हिंदी, वी कैन से मौलिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू ऑल सिटीजन। जैसे कि हम ऑलरेडी अवेयर इस बात से कि हमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ताकि किसी भी नागरिक का कोई भी जो पावर है वो उसे छीना ना जा सके। नो बडी कैन वायोलेट दिस राइट्स एंड सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी भी तरह का उन्हें नुकसान पहुंचता है तो अपने फंडामेंटल राइट्स को वॉलेशन अगर उनके संग होता है उनके फंडामेंटल राइट्स का, तो वो सरकार तक कचहरी तक पहुंच के अपनी बातों को सरकार के सामने, कचहरी के सामने, जज के सामने रख सकते हैं, ताकि जो उनके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। और ये जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे अपने फर्दर चैप्टर्स में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, चलिए थोड़ा सा आपको डिफाइन कर ही देती हूँ फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में क्या होते हैं कि जैसे कि हमें एक अधिकार है कि हम कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमें अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ हम जो बातें कह सकते हैं, अपने ओपिनियन को सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, द फिफ्थ वन इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को हम हिंदी में कहते हैं धर्म निरपेक्षता, मतलब किसी को भी धर्म जाति के बेसिस पे, धर्म निरपेक्षता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। जैसे कि हमारा जो संविधान है वो हमें बताता है कि हमारा जो देश है वो सेकुलर है। सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष, हम किसी को धर्म की या उनकी जाति के ऊपर हम उनको विभाजित नहीं करते हैं। एंड सो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। जैसे हर एक देश का अपना एक रिलीजन होता है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष देश है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज और हर ओन रिलीजन। और कहीं ना कहीं हर एक नागरिक को उनका हक दिया गया है, एक राइट दिया गया है कि वो जिस भी तरीके से चाहें अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, अपने मन से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनके कोई भी रोक रुकाव नहीं है। ओके okay? और कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके संग डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ बुक्स में जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमें आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें रिक्वायरमेंट क्यों है लॉज की, वाई वी नीड लॉज। एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी कभी होता है कि जब हम अपनी कोई बातों को सामने रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लोग हमारे बातों से खुश हों या हमें सहमति करें। और कभी कभी सरकार जो नियम लागू करती है, कभी कभी हम उससे असहमत भी होते हैं, और उसी असहमति को दिखाने को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट, जिसका मतलब होता है असहमति। और जब हम सरकार के किसी नियम के खिलाफ होते हैं तो हम मास प्रोटेक्शन करते हैं। और कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि हम जब मास में जाते हैं, मासस में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप में जाके, झुंड में जाके, सरकार में या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं या संसद भवन की हम बात करते हैं, वहाँ पर जाके हम अपने बातों को रखते हैं। और कहीं ना कहीं तरह तरह के स्ट्राइक्स करते हैं, कैंपेन करते हैं, और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में, सॉरी, इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट और हिंदी में कहते हैं असहमति। तो इतनी ही चीज़ें हमारे आज की इस वीडियो के लिए हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं एक सिंपल सा बेसिक फंडा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की कोशिश की गई। जो की पॉइंट्स थे, की फीचर्स थे, वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। एक पॉइंट और होता है आपका, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार। इसके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, पर आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि हर एक वो सिटीजन जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर होती है, वो जो वयस्क होते हैं, वो चाहे तो वोट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, उन्हें करना है चाहिए। एवरी मंथ शुड वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। और हम इसमें भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, वो किस कलर का है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। और कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट की फीचर्स में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सो डियर माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा है ये एक बेसिक कहीं ना कहीं हमें राइट देता है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। एंड हाँ, अगर बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। एंड वी आर लकी डेट वी आर हैविंग द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इज द इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।